अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और इक्तसादी सूरत हाल के हवाले से कुछ आदाद व शुमार, कुछ हालात व वाक़ियात के सैलाब के तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई 70-75 अफराद के वफ़ के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने जनरल असम्बली से ख़िताब करना है। मज़े की बात यह है कि इस इजलास में वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म भी हैं और ये कम अज़ कम 70 अफराद दूसरे उनके साथ हैं और वो न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटलों में ठहरे हुए हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कि उनको बाकायदा TA/DA भी मिलता है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना की तादाद 70 तक पहुँच चुकी है, यानी 70 वज़ीर, खसूसी मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर। और एक ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और ये मुंह फाड़ के अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे थे कि हमें 16 अरब डॉलर दरकार होंगे बहाली के लिए, बल्कि ये सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की ये एक बड़ी इस्तदा थी जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, तो उन्होंने कहा कि हमें 16 अरब डॉलर दरकार होंगे। हालाँकि ये उनकी खुशकस्मती है कि अंतोनियो गुतेरेस ने यह नहीं पूछा कि 16 अरब डॉलर का तखमीना आपने कैसे लगाया है, क्योंकि जब तो सारा इलाका तो बकौल चीफ मिनिस्टर सिंध के पानी में डूबा हुआ था, तो उनकी फिर असेसमेंट उन्होंने कैसे कर ली। लेकिन इससे कत नज़र जो बात मैं ये कहना चाह रहा था आज, वो ये है कि 70 अफराद की काबीना हो, फिर आपने ब्रांडेड सूट पहने हों, KFC और मैकडोनल्ड के बर्गर्स और जो सैंडविचेस हैं वो आप खा रहे हों, ख़ास तौर पे जब आप सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वो भी गैर मुल्की मेहमानों के हमरा, और सिर्फ इस्लामाबाद से जब एक खसूसी परवाज के ज़रिए कम अज़ कम 50 अफराद जा रहे हों अक़्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों के लिए, और फिर एक ऐसे इलाके में उनको ले जाया जाए जहाँ पर आर्जी तौर पर चंद घंटों के लिए एक कैंप लगाया गया, वहाँ इधर उधर से ख़वातीन को शायद मुआवजा दे के इकट्ठा किया गया, क्योंकि असल जो कैंप थे वहाँ पे हालात बहुत बुरे थे, लोग बहुत गु़स्से में थे और उन तक अभी इमदाद टुकड़े टुकड़ों में पहुँच रहे थे। आपने कई मरतबा वो देखा होगा कि किस तरह हेलीकॉप्टरों से इतनी बुलंदी से उनके लिए साजो सामान फेंका जा रहा था, यानी खाने पीने का सामान फेंका जा रहा था, और मालूम नहीं कि हम कौन सी सदी में रह रहे हैं। और इसके साथ साथ अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि अगर आप अक़्वाम मुत्तहिदा से और दूसरे मुल्कों से इमदाद की तवक्को कर रहे हैं, तो फिर कम से कम आप उसी अंदाज़ में ये जो ब्रांडेड सूट और KFC मील्स और ये पूरे एक जुलूस जो जा रहा था अक़्वाम मुत्तहिदा के वफ्द के हमरा, और फिर अंदाज़ा लगाइए कि सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन, दर्जनों गाड़ियाँ जो थी वो हायर की गई, कुछ सरकारी थी ज़ाहिर है, कुछ हायर की गई इन तमाम अफराद की खिदमत गुजारी के लिए। अब एक दिन में कितना ख़र्चा हुआ होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं, और एक ऐसे हालात में हुआ जबकि मुल्क में इक्तसादी बहरान इस लिहाज से शदीद हो गया है कि बिजली की कीमतें 50% बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल डीज़ल कुछ 70-80% इजाफ़ा हो चुका है गुज़श्ता 2 महीने के दौरान, सूद की शरह यानी जो बैंकों से कर्ज़ा मिलता है उसमें 5.5% इजाफ़ा हो चुका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मई जून तक तकरीबन 24 घंटे 3 शिफ्टों में चल रही थी वो मसाइल का शिकार है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो 20-25% उसकी सेल्स कम हो गई हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ वो मुतासिर हो रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान में डॉलर का बहरान है, डॉलर के बहरान की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेटर ऑफ़ क्रेडिट नहीं खोल रहा, लेटर ऑफ़ क्रेडिट नहीं खुलेगा तो खाम माल दरामद नहीं होता, खाम माल दरामद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि पैदावार कम होगी, कारखाने अपनी जो पैदावार है वो कम कर देंगे, जो पैदावारी साइकिल कम होगा इससे बेरोज़गारी में भी इजाफा हो गई, और ख़ुद एक दो बड़ी कंपनियाँ ऑटोमोबाइल से वाबस्ता वो अपने कोई 15-20% लोग पहले ही मुलाजमतों से फारिग कर चुके हैं। और इस दौरान एक और ख़बर आई है ये 20 सितंबर को कि आपने बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तो सुना होगा, पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग होती है, लेकिन अब
इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियों से वाबस्ता अफराद ने खदशा जाहिर किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द इंटरनेट और मोबाइल कंपनियों की सर्विसेज पे भी लोड शेडिंग हो सकती है। यानी इससे तश्वीशनाक खबर क्या हो सकती है, क्योंकि इन कंपनियों का ये कहना है कि उनको अपना नेटवर्क ऑन रखने के लिए ईंधन की ज़रूरत है। ईंधन की कीमतों में 80% तक इजाफा हो चुका है और इसके अलावा वो लाइसेंस फीस जो उनको देनी पड़ती है सालाना, वो डॉलर में तलब की जाती है, जबकि उनका ये कहना है कि हम तो चूंकि पाकिस्तानी रुपए में कमा रहे हैं। ये एक अलग मसला है, लेकिन इस बात की वार्निंग के इंटरनेट और मोबाइल कंपनियों में भी लोड शेडिंग हो सकती है, तो इंसान सोचता है कि खुदारा ये मुल्क को कहाँ पर ले जाए। जब पहले ही सुपर टैक्स लगाए गए हैं, बेशुमार टैक्स लगा के कमर तोड़ टैक्स लगाए गए हैं IMF की एक शर्त को तस्लीम करके, और उसके बाद अब आप देखिए कि इतना बड़ा वफ्त, पहले उज़्बेकिस्तान गया SCO कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर वहाँ से एक मिनी कैबिनेट का इजलास हुआ है लंदन में, जहाँ पे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बातचीत हुई, और अब जनाब एक बहुत ही बड़ा वफ्त जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह भी गए हैं, कोई हमने सुना है कोई 25-30 लाख रुपए लगा के खर्चे पे। तो सवाल ये है कि अक़्वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली का इजलास, उसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, इस मुल्क में कौन सी सरमाकारी आई है गुज़श्ता 20-25 वर्षों के दौरान सिवाय चीनी सरमाकारी के। गैर मुल्की सरमाकारी आती है वो भी ज़्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में होती है, या फिर जो पहले से हमारे मंसूबे चल रहे हैं उसमें होती है। तो जनाब इस हवाले से हमने डॉक्टर खाकान नजीब साहब से रابطہ किया, इकोनॉमिस्ट हैं, और उनसे ये पूछा है कि मईशत की बहाली आखिर कैसे होगी, और तमाम इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि मईशत की बहाली और अहिया का मतलब इस निज़ाम के उन शराकत दारों के ख़िलाफ़ जंग है जो इससे बरसा भर से फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इसके आवाम के फ़ायदे का उन्होंने नहीं सोचा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम हुकूमत और हुकूमतकारी के जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर बैरूनी ममालिक के सरमाकारों का एतमाद नहीं है। अब इसी हवाले से डॉक्टर खाकान नजीब साहब से हमने ये पूछा कि आखिर वो कौन सी बुनियादी वजूहात है, जो कि कौन सी रुकावटें हैं जिनके बायस मगरबी ममालिक से सरमाकारी पाकिस्तान में नहीं होती, क्या बुनियादी वजूहात हैं, और ख़ास तौर पर कैसी सूरत हाल में जबकि पहले ही मुल्क सियासी और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लेट्स पुट सम फिगर्स। पाकिस्तान में पिछले कई सालों में एक तो इन्वेस्टमेंट टू GDP 15% है, ये मुआजना करें जिनको हम कहते हैं ना हम चाइना बनना चाहते हैं, जरूर बनिए, हम साउथ कोरिया हमारा प्लान ले गया, 35% इन्वेस्टमेंट टू GDP रन किया था उन ममालिक ने जब उन्होंने तरक्की की थी, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस नहीं होता। नंबर दो, $1.85 बिलियन है हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट मेनी इयर्स फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज नथिंग। मतलब हम ये जो ममालिक जब तरक्की कर रहे थे इनमें 70-80 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। पाकिस्तान का ट्रू पोटेंशियल जो है, जो मेरे ख्याल है 2007 में एक दफा हिट हुआ था, तो हमने 7-8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। नंबर दो, डोमेस्टिक लोगों को ये जो डर हो गया है कि वो दो चीजों में सेव करते हैं, वो किस में सेव करते हैं, वो या रियल एस्टेट खरीदते हैं और या डॉलर खरीदते हैं। मुझे सबसे ज्यादा सवालात मेरे खानदान से ये आते हैं कि कहाँ पे प्लॉट लिया जाए और लीगली पैसे बाहर ले जाने का क्या तरीका है। टिल दिस दीज टू थिंग्स चेंज, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। और रियल एस्टेट में अगर आप दिए जाएंगे इंसेंटिव, आप दिए जाएंगे स्कीम्स, आप दिए जाएंगे एमनेस्टीज, आप कैपिटल गेन्स से उनको 5 साल में अस्तस्ना कर देंगे, आप इंसेंटिवाइजेशन ठीक करें। आप स्टॉक मार्केट में भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है चली जाती है, मार्केट में भी डेप्थ कम है। ये हैं सारे काम जो आपने करने हैं। एनर्जी सेक्टर की सर्जरी कीजिए, एग्रीकल्चर को याद रखिए कि ये नहीं हो सकता कि हम कॉटन भी बाहर से मंगवाएं, लेंटिल्स भी बाहर से मंगवाएं, एडिबल ऑयल भी बाहर से मंगवाएं, वीट भी बाहर से मंगवाएं, कैसे हो सकता है ये। 23 करोड़ आवाम जो है फूड इनसिक्योर हो जाएंगे आने वाले वक्तों में, इसको फिक्स कीजिए। और तीसरी बात जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ये कीजिए। फिर आप कभी भी ये जो सवाल पूछा जाता है ना
कि आपकी क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आपको एक ब्रीदर दे रहा है. कैन यू डू द रेस्ट ऑफ द जॉब, दैट इज अप टू यू. तो ये तो थी बुनियादी वजूहात जो डॉक्टर खाकान नजीब ने गिनाई, जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में रुकावट हैं. लेकिन हमने उनसे ये भी पूछा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के जो इंतहाई दिगरगुं हालात हैं और बुरे हालात में, इन बुरे हालात में वजारत ख़जाना और ख़ासतौर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस हद तक ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये वो इदारा है जो कि टैक्सों की शरह का तायुन करता है, लेकिन इस पर किसी भी गैर मुल्की सरमायाकार का एतमाद नहीं है. तो मैंने डॉक्टर खाकान नजीब से ये भी पूछा कि किस हद तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी या यहाँ से गैर मुल्की सरमाए को या सरमायाकारी को भगाने में कार फरमा है. जी, कलीदी बात है इसमें कोई डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो आपका जो मालियाती खसारा है उसको कम करती है. अगर आपका मालियाती खसारा कम होगा तो आपका डेट कम होगा. डेट क्या चीज है? जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है, जो मैंने अर्निंग की है, उसका जो गैप है वो मैंने जाके बोरो करना है. आप डेट कम करना चाहते हैं, ये गैप कम कर दीजिए, बोरोइंग कम हो जाएगी. लोग इकोनॉमिक्स को ना ऐसे शायद बना देते हैं कभी कभी कि आम आदमी जो है वो समझे कि ये कोई बहुत बड़ा हमने कोई तीर चला के, ये बड़े सादी चीजें हैं. मैं सादे लफ्जों में लोगों को, इसके लिए डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है उसका भी नंबर ले लीजिए. पाकिस्तान का जो इस वक्त डेट डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो है वो 10% है. एक हम अगर अपना एक्सपेंडिचर्स देखें, हम अपने हालात देखें, अगर ये 14-15 पे चला जाए तो आपके मसाइल हल हो जाए. और उसमें बुनियादी तौर पे डिस्क्रेशन निकालने के लिए दुनिया कहाँ है. मैं ऑनलाइन दुनिया भर में मतलब टैक्स पे करता हूँ, ऑनलाइन पे कर देता हूँ, ऑनलाइन ही इम्तियाज साहब रिफंड भी आ जाता है, विद इन 15 days रिफंड भी. ये सिस्टम्स हमने बनाने हैं ताकि जो किरदार ही निकल जाए उन लोगों का जिन पे हमें तनकीद करने का मौका मिलता है कि वो कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं. और इसके लिए भी हरक्यूलियन एफर्ट करना पड़ेगा. कोई भी हुकूमत नहीं कर पाई. एग्रीकल्चर इनकम जो है उनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल प्रोविंसेस जाकर इसको टैक्स करें. और प्रोविंसेस का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में कि प्रोविंसेस को भी ये रियलाइज करना है कि उनकी जो टैक्स टू जीडीपी है वो 5% ऑफ जीडीपी तक जाने की पोटेंशियल है. मोटर व्हीकल टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वहां पे पैसे जो है दैट्स वेयर द बल्क ऑफ द मनी इज, उनको भी गियर करना है. तो राह तो हमने आपके सामने क्लियर कर दिए आज आपके प्रोग्राम में कि आपको करना क्या है. अब बात यह है कि मैंने जो लास्ट अपना आर्टिकल लिखा था तो मुझे वो एल्विस का गाना जो है वो उसमें मैंने लिखा था कि लिटिल लेस कॉन्वर्सेशन अ लिटिल मोर एक्शन, यू नो, जस्ट इनमें से कुछ पकड़ लें और कॉन्सेंट्रेट करके. पाकिस्तान ने इम्तियाज भाई अगर ये बात मैं जो समझाऊं 10-11 साल काम करके, जिस चीज को टारगेट करके हमने काम किया ना, चाहे हमने न्यूक्लियर डिटरेंस बनानी हो, हमने कहा कि नहीं ये हमारा फोकस है, मेन एंड वेमेन विल डू दिस टास्क, इसको हम फंड. अब आप एक दो एरियाज पकड़ लें, लेट्स मेक एन एग्जांपल, लाइक हमने ये एग्जांपल आपके सामने रखी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हमने इसी तरह टारगेट किया. अब आप देखें हम 8-10 million फैमिलीज को फौरन पहुंच जाते हैं हमें जहां पे पहुंचना, क्योंकि हमने अपने माइंड में ये बात क्लियर कर ली और नॉन पार्टिसन अप्रोच से क्लियर कर ली, प्रोफेशनल अप्रोच से क्लियर कर ली. उसको सरकार से निकाल कर एक अदारा क्रिएट कर दिया, उसको आप विस्प कहें, एहसास कहें, मैं तो नॉमेनक्लेचर में जाता ही नहीं हूं, कुछ कह लें, बट आप देख लें 10 million फैमिलीज तक पहुंचने की इस्तेतात है, माशाल्लाह. तो दोस्तों, आपने डॉक्टर खाकान नजीब की ये बात सुनी और इस तमाम तर हमारे आज के वी लॉग का लुबे लुबाब या इसका खुलासा कुछ यही है कि बहसियत मजमू तकरीबन हर हुकूमत नाकाम रही है बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी को रागब करने में, और ये एक इज्तिमाई नाकामी है तमाम वज़रा की, उन मुशीरों की जिन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों में अहम किरदार अदा किया लेकिन वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्लाह न कर सके. ये वो इदारा है जो हर वक्त बिज़नेस कम्यूनिटी और बड़े इदारों को इजाफी टैक्सों, एडवांस टैक्सों के ज़रिए हरासा और अदायगियों पर मजबूर करता रहता है. ये वो इदारा है जो टैक्स नेट में मौजूद अफराद और इदारों से ज़्यादा टैक्स बटोरने का आदि हो चुका है, जबकि आज तक इसने वो पॉलिसी इख्तियार नहीं की जिसके तहत आप हरासियत यानी टैक्स गुजारों में खौफ कम करें, ज़्यादा लोगों को टैक्स की अदायगी पर आमादा करें.
یہ وہ ادارہ ہے یعنی ایف بی آر جو مخصوص مصنوعات پر کم از کم 5 سال کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ پہ آمادہ نہیں ہے، مستقل بنیادوں پہ کم از کم 5 سال کے لیے، اور یہ وہ شرط ہے جو کہ غیر ملکی سرمایہ کار اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہر سال میں 2-2 دفعہ ایف بی آر والے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس طرح 3-4 سال کے اندر سرمایہ کاروں کی تمام کیلکولیشن گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہاں پہ آپ نے دیکھو کہ غیر ملکی یورپی مغربی سرمایہ کار یہاں پہ نہیں ہیں، جب تک فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ رہے گا کہ جو لوگ آئیں ان سے بس آپ ٹیکس کھینچتے چلے جائیں، اس کے طویل المیاد اثرات نہیں دیکھیں گے، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اور چند لوگ ہیں جو جونکوں کی طرح اس ملک کی معیشت سے چمٹے میں وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، بالواسطہ طور پہ پاکستان کے عوام کا بھی خون چوس رہے ہیں، تو جو بھی اگر حکومت آتی ہے اس کا میرا خیال ہے پہلا سب سے فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو میں ایک انقلابی تبدیلیاں لائے، جب تک انقلابی تبدیلیاں نہیں آئیں گی فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے۔